गुना कलेक्टर भास कलक्षका ने आज सिटी चैनल गुना के माध्यम से लोगों से स्वच्छता के प्रति अपील की है। उन्होंने कहा कि सफाई सिर्फ नगर पालिका के माध्यम से नहीं की जा सकती, जब तक नागरिक अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, सफाई को लेकर अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक सफाई के लक्ष्य को पाना नामुमकिन है। अभी जो स्वच्छता को लेकर के गुना ने, पूरे गुना के नगरवासियों ने, सबने जो एक अभियान के रूप में एक काम को लिया है, एक साफ गुना, एक बेहतर गुना, एक व्यवस्थित गुना, इसमें मैं सभी का सहयोग की अपील करता हूँ। सफाई सिर्फ नगर पालिका के भरोसे नहीं करी जा सकती, सफाई में नागरिक जब तक अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सफाई को लेकर के अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक सफाई का जो लक्ष्य है उसको पाना नामुमकिन है। मैं नागरिकों से यह अपील करता हूँ कि वे कचरा जो है उसको सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें, अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा, और साथ ही साथ कचरे को अपने जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर डालें, जो कचरा गाड़ी है यथासंभव उसमें डालें, यदि किसी कारणवश कचरा गाड़ी उपलब्ध नहीं है तो स्थान जो निर्धारित है वहीं पर डालें, दिन में एक बार कचरा डालें ताकि उसकी सफाई हो सके। दिन में बार बार कचरा यदि उस स्थान पर डालते रहेंगे, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो कोई दुकान वाले हों या ठेले वाले हों, तो कितनी भी हम अमला लगा लें वो सफाई नहीं हो पाएगी। यदि गुना को हम साफ सुथरा और बेहतर गुना देखना चाहते हैं तो मैं अपील यही करूँगा कि हम अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करें और गुना को व्यवस्थित बनाने में, सुंदर बनाने में अपनी तरफ से योगदान दें। मिशन 10 के प्रेरणता एवं कलेक्टर भास कलक्षकान ने आज सुबह स्थानीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को सफाई एंड वेस्ट कर बनाते हुए स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। स्थानीय हनुमान चौराहे के पास आज सुबह एवी रोड के एक बड़े हिस्से में अज्ञात वाहन से भारी मात्रा में फैला ऑयल, अनेक वाहन चालक स्लिप होकर हुए चोटिल। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गत दिवस जारी एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोकेश कुमार जांगिर अब गुना जिले के अपर कलेक्टर होंगे। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नवविवाहिता ने लगाई अज्ञात कारणों के चलते फांसी, ससुराल वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस ने मर्ग कायम कर की जांच शुरू। दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, चैन सिंह धाकड़ और घमंडी मीना ने किया बलात्कार, मृगवास के काकड़िया गांव में बंधक बनाकर एक महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। अपने पति के साथ जो मजदूरी करने के लिए गाँव में पहुंची थी, राजगढ़ निवासी मजदूर दंपति आरोपियों ने बंद कमरे में महिला के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों के खिलाफ मृगवास थाने में रेप का मामला हुआ दर्ज। ये कल दिनांक को थाना मृगवास में पीड़िता जो रहने वाली राजगढ़ की है, वो मजदूरी करने के लिए आई थी और उसको घमंडी मीना निवासी काकरिया गांव का है और एक धाकड़ है, उन दोनों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, ऐसी रिपोर्ट थाना मृगवास में की है, जिस पर से धारा 376 और STSC की विभिन्न धाराओं में उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी की पतारसी के संबंध में भी पार्टी तबीज पे गई थी, अभी आरोपी नहीं मिला है, लेकिन जो घटना की रिपोर्ट पर तत्काल FIR दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नगरपालिका SDM और पुलिस के नेतृत्व में आज फिर अतिक्रमण कार्यवाही की गई। अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को आज हटवाया गया और कई दुकानदारों के चालान काटे गए। पे बहुत सजगता से काम चल रहा है, शहर में कचरे का भी 45 टन से 125 टन पर कचरा पहुंच गया है टिचिंग ग्राउंड पर। ठीक है, आवारा मवेशियों को देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आवारा मवेशी सड़कों पर दिखाई देते हैं, इनके लिए आपके द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई? जी बिल्कुल, सभी जितने भी ऐसे पॉइंट्स थे उनको क्रमबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पहले स्वच्छता के लेकर लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाई गई, अभी अतिक्रमण को लेकर, उसके बाद जितने भी ऐसे मवेशी हैं जो आवारा घूमते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई।
आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आगरमालवा जिले के सोयत कला में आपकी सरकार आपके द्वार में लोगों को संबोधित कर उनकी समस्याएं सुनी व उनका निराकरण किया। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन की बैठक जिला पंचायत की अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान की अध्यक्षता में हुई संपन्न। प्रपोषर में रहने वाला युवक अचानक स्कूल में प्रार्थना के समय चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। पत्रकार कॉलोनी स्थित शासकीय मॉडर्न स्कूल में आज एक जादू नहीं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें गुना विकास खंड के सभी स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपने मॉडल के माध्यम से बताया कि ये जादू नहीं विज्ञान है। कैंट रोड कैची कारखाने के पास मोड़ पर नगर पालिका की कचरा गाड़ी और एक्टिवा चालक आपस में टकराए। दिनों कलेक्ट्रेट भवन में रविवार को लघु वेतन कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ संपन्न, जिसमें घनश्याम शर्मा स्वास्थ्य विभाग गुना को सर्वसहमति से उपाध्यक्ष पद पर किया गया नियुक्त। बजरंगगढ़ के इतिहास में पहली बार घट यात्रा के साथ आरंभ हुआ 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान, गुना एवं आरोन के सप्त दिवसीय अभिषेक मंडल हो रहे सामू। फ्री की वेतन लेने वाले बयान पर आमने सामने आए अतिथि विद्वान और चयनित प्रधान अध्यापक संघ, विद्वानों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मकसूदनगढ़ तहसील के उकाबत की पहाड़ी स्थित डोगा वाले श्री हनुमान जी के मंदिर पर मंगलवार को मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के तत्वधान में भव्य सुंदरकांड पाठ और भंडारे का हुआ आयोजन। शासकीय महाविद्यालय आरोन में नगर परिषद आरोन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत कार्यक्रम का किया गया आयोजन।